आज हम लोग जल के बारे में जानेंगे। जल जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेय पदार्थ होते हैं। कहा गया है जल बिना जीवन असंभव है। जल एक यौगिक होता है। रासायनिक अभिक्रिया में वायुमंडल में जब कोई गैस आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक अणु निर्माण होते हैं, वही प्रतिक्रिया जल के साथ हुआ है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। चूंकि जल के एक अणु में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है, इसलिए अभिक्रिया से यह फॉर्मूला में आ गया है। जल जल एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसमें कार्बन नहीं होता है। H2O में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। जल का कोणीय संरचना 104 डिग्री 25 मिनट होता है। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। इसका अनुभार 18 होता है। भारी जल में जल का अनुभार 20 होता है। जल के चार प्रकार होते हैं, आसुक जल डिस्टिल वाटर, मृदु जल सॉफ्ट वाटर, कठोर जल हार्ड वाटर, भारी जल हैवी वाटर। कठोर जल में दो प्रकार होते हैं, अस्थाई और अस्थाई, अनस्टेबल और स्टेबल। हम लोग पार्ट वन में इसके दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, आसुक जल और मृदु जल के बारे में। पार्ट थ्री में कठोर जल जो है बहुत बड़ा टॉपिक्स है, इसलिए इसको हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, और भारी जल हैवी वाटर तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। अगर चारों इस पार्ट को एक साथ हम लोग पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत बड़ी होगी और बहुत बड़ा वीडियो उबाम हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको बारी बारी से दो तीन पार्ट में पढ़ते हैं। अशुद्ध जल डिस्टिल वाटर सबसे शुद्ध जल होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ H2O ही होता है। इसे पीने से प्यास तो बुझ जाती है, परंतु इसमें शरीर के पोषक तत्व तो नहीं होते हैं। इसमें 0 PPM होता है। 0 PPM का मतलब हुआ पार्टिकल पर मिलियन, यानी जल में 1 मिलियन में 0 अणु पार्टिकल्स होते हैं। यह शुद्ध जल को आसवन विधि द्वारा हम लोग तैयार करते हैं। शुद्ध जल जो है इसको हम लोग आसवन विधि द्वारा, ये आपको आसवन विधि हो गया। आसवन विधि में हम लोग एक बर्नर लिए हुए हैं, एक बर्तन है, बर्तन में हम लोग शुद्ध इसको गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करने पर इसमें से जितने भी अशुद्ध अशुद्धि के कण होंगे, जैसे आपको धूल कण हो गए, सोडियम हो गए, जो भी है, वह मैग्नीशियम हो गए, कैल्शियम हो गए, वह सभी बैठ जाते हैं, क्योंकि अशुद्धि जो है वह वाष्प बन के हवा में नहीं उड़ सकता है। और जो शुद्ध जल है वह वाष्प बन के यहाँ से कंडेंसर के माध्यम से यहाँ ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर यहाँ टब में गिर जाता है। यहाँ आपको शुद्ध जल H2O प्राप्त हो जाता है, और यहाँ अशुद्ध जल है। अब यहाँ कंडेंसर, मतलब अपने घर में भी जल को शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध करने के लिए हम लोग यह आपको एक बर्नर लेंगे और एक ऐसे बर्तन लेंगे, बर्तन में उसको गर्म करके वाष्पित कर सकते हैं। अब इसको यहाँ कंडेंसर लगाने का मतलब, कंडेंसर का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ एक कोई कपड़ा भिगो के और उस नली में बांध देंगे। बांध देने से वह ठंडा हो जाएगा, हवा के माध्यम से ठंडा होकर पानी यहाँ वाष्प जो है बूंद बन के यहाँ से गिरने लगता है। आप लोग देखते होइएगा, चना का सतुआ बेचने वाला पानी के मटका को चारों तरफ से लाल कपड़ा से बांध देता है। लाल कपड़ा से बांध देने से होता क्या है कि उसमें से पानी जो है वाष्पित होता है, हवा के माध्यम से वह कपड़ा ठंडा हो जाता है, उसके अंदर का पानी ठंडा रहता है। या सुराही में जो है पानी ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि सुराही मिट्टी का बना हुआ होता है, उसमें से पानी बूंद बन के बाहर निकलता है हल्का हल्का, और उस पर हवा का झोंका पड़ता है, जिससे वह हवा के चलते ठंडा हो जाता है और बर्तन पात्र भी वह ठंडा हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसका H2O का प्रयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। बैटरी में पानी डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बैटरी में जब हम लोग पानी डालते हैं, जो बैटरी का पानी होता है वह शुद्ध H2O होता है, उसमें मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि नहीं होते हैं, और वह उसमें डाला जाता है। बैटरी में सब पहले से ही H2SO4 डाला हुआ होता है, तेजाब डाला हुआ होता है। ऐसे H2O जो वह बैटरी का पानी होता है उसको हम लोग पी सकते हैं, ठंडा करके उसको आराम से पी सकते हैं। लेकिन पीने से हम लोग सिर्फ प्यास बुझती है, उससे हमारे शरीर को पोषक तत्व तो कोई नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोग घाव धोने में, डॉक्टर जो है जल गया या कट गया, किसी प्रकार की उसमें मिट्टी लग गया, गंदगी लग गया, तो उसको घाव को धोने के लिए H2O का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इंजेक्शन में भी H2O का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होइएगा टाइफाइड वगैरह के दवा जब इंजेक्शन आते हैं, उसमें दो इंजेक्शन के एक डब्बा में दो इंजेक्शन हुआ करते हैं। एक में जो है आपको दवा होती है, दवा में उसमें दवा का पाउडर होता है, और एक
प्लास्टिक की डब्बी होती है जिसमें एक 2 ml 2 ml पानी भरा हुआ था। अब डॉक्टर डोज के हिसाब से लिख देता है कि अगर 1 ml देना है, 2 ml देना है, सुई देना है, तो उस हिसाब से पहले सिरिंज से उसमें से पानी निकाल लिया जाता है और इस इंजेक्शन में डाल के और उसको मिला के और वह डोज भर दे दिया जाता है। अब बाकी शुद्ध पानी को बिक जाता है। बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब अभी काहे बिक दिए, तो भाई पानी है, पानी को तो बिक दिया गया। ऐसे होता है, इंजेक्शन में भी इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि शुद्ध पानी, वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है। हाँ, वर्षा का पानी भी सबसे शुद्ध होता है, वह भी जो है आसवन विधि द्वारा ही बनता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब समुद्र पर किसी भी जलाशय पर पड़ता है तो उसमें से वाष्प निकलता है। वाष्प जो है ऊपर जाके आसमान में संघनित होकर बादल का निर्माण करते हैं और ठंडी हवा के आर्द्रता के कारण वह बूंद बन के टपक जाते हैं और बारिश होती है। लेकिन वहां से जब बारिश होती है तो वह पानी हमारे वायुमंडल में जब आता है तो वायुमंडल में धूलकण तैरे हुए होते हैं, धूलकण घूम रहे होते हैं, उसमें जो वह मिल जाती है, इससे वह अशुद्ध हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि साल के पहले बारिश में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पहले बारिश में जो है वायुमंडल की गंदगी बरसती है और उस गंदगी में जो है आदमी की खुजली हो जाता है, चर्मरोग हो सकता है, घाव हो जाता है। कहा गया है कि भीग ले नींद पहली बरसात में, तो पहली बरसात में नहीं भीगना चाहिए। इसलिए वर्षा के जल में होता क्या है कि ऐसे पीने वाला जो जल होता है उसमें 150 ppm होता है, लेकिन शुद्ध जल में हम लोग जो पीते हैं उसमें 150 ppm होता है और वर्षा के जल में 250 ppm होता है। शुद्ध जल जो है वर्षा का जल भी होता है लेकिन वह वायुमंडल में आके अशुद्ध हो जाता है, और मृदु जल जो होता है उसको हम लोग पीते हैं, इसको पीने योग्य बनाया जाता है। इसमें जो है 150 ppm होता है, इसमें हम लोग H2O मिला में सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम जो शरीर के लिए पोषक तत्व तो होते हैं उसको मिलाते हैं। उसके बाद मृदु जल जो है इसमें साबुन का झाग भी खूब अच्छा बनता है, इसमें साबुन मिलेगा तो उसमें झाग भी खूब अच्छा बनेगा क्योंकि उसमें सोडियम हुआ करता है। इसलिए हम लोग दूसरे पार्ट में आपको जो है भारी जल और कठोर जल के बारे में पढ़ेंगे।